अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ अस्सलाम वालेक और आप देख रहे हैं मलिक अस्सलाम ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 मरला डेढ़ स्टोरी बहुत ही शानदार न्यू ब्रांडेड घर, जो कि इस्लामाबाद के इलाके जिना गार्डन में वाक़ है। तो ये आप इस घर का फ्रंट देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत और शानदार इसका फ्रंट बना हुआ है। और जो इसके सामने स्ट्रीट है वो तकरीबन 60 फुट की स्ट्रीट है। स्लाइडिंग गेट इस पर लगा हुआ है और साथ ही सेपरेट डोर भी है। तो आइए अब घर के अंदर चलते हैं, अंदर से आपको घर का व्यू दिखाते हैं। ये फ्रंट पे इसकी क्यारी बनी हुई है, स्लाइडिंग गेट है। और ये यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे मार्बल लगा हुआ है और ऊपर छत पे सीलिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। तो व्यूअर्स, काफ़ी ये मल्टी कलर में घर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिज़ाइन बने हुए हैं दीवारों पे और छत पे वाइट कलर की सीलिंग हुई है। ये बिल्कुल मेरे सामने आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही होगी और राइट साइड पे इसका ड्राइंग रूम का डोर है और राइट साइड पे फ्रंट गैलरी बनी हुई है। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिल सके। तो ये हम जो राइट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर था, उस डोर से अंदर आ चुके हैं। हम अभी ड्राइंग रूम में खड़े हैं। यहाँ पे आपको वाइट कलर ज़्यादा यूज़ हुए हैं, यहाँ पे सीलिंग में आपको नज़र आ रही होगी। और ओपन ड्राइंग रूम है, नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं। और ये सामने ड्राइंग रूम की विंडो आपको नज़र आ रही होगी जो फ्रंट गैलरी की तरफ है, और साथ ही ड्राइंग रूम का डोर है जिससे हम इंटर हुए थे। हम अभी टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। जैसे ही मेन डोर से इंटर हों तो लेफ्ट साइड पे इसका ओपन किचन है और राइट पे अलमारी बनी हुई है और सामने दो बेडरूम है। यहाँ पे काफ़ी लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है, एलईडी लाइट्स तकरीबन हर जगह लगी हुई हैं। ये मेरे राइट साइड पे आपको दो बेडरूम नज़र आ रहे होंगे और बिल्कुल सामने किचन है। तो व्यूअर्स, 7 मरले पे ये डबल स्टोरी डेढ़ स्टोरी घर बना हुआ है। 30 फुट इस प्लाट का फ्रंट है और 60 फुट इसकी लेंथ है। 30x60 का ये प्लाट है जिस पे ये घर बना हुआ है। और ये सामने इसका किचन है, काफ़ी मल्टी कलर्स में इसका किचन बना हुआ है। किचन कैबिनेट भी बहुत ही खूबसूरत कलर के हैं और यहाँ पे भी LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। सामने ये अलमारी आपको नज़र आ रही होगी और ये TV लॉन्च की सीलिंग है। तो आइए अब आपको मैं बेडरूम दिखा देता हूँ। ये हम जो लेफ़्ट साइड पे बेडरूम है उसमें इंटर हो चुके हैं। बिल्कुल सामने यहाँ पे दीवार पे भी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल डिज़ाइनिंग हुई है। और बिल्कुल मेरे सामने आपको विंडो नज़र आ रही होगी जो कि बैक गैलरी की तरफ खुलती है वेंटिलेशन रोशनी के लिए। यहाँ पर ये मैरून कलर और मुख्तलिफ कलर्स आपको छत पर नज़र आ रहे होंगे सीलिंग में। और राइट साइड पर इसकी अलमारी बनी हुई है और लेफ़्ट साइड पे इसका अटैच बाथ है इस बेडरूम का। भाई, अब दूसरे बेडरूम में चलते हैं, मैं आपको इसका दूसरा बेडरूम दिखा देता हूँ। ये इसका दूसरा बेडरूम है, यहाँ पे वाइट कलर की नीचे भी टाइल्स लगी हुई हैं और सामने दीवार पे यहाँ भी आपको वॉलपेपर और डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होगी। और ये बिल्कुल मेरे सामने आपको लेफ़्ट साइड पे अलमारी नज़र आ रही होगी, राइट पे इसका अटैच बाथ है और सामने बिल्कुल डोर है जो कि बैक गैलरी की तरफ खुलता है और उसके साथ ही विंडो बनी हुई है। ये इसके साथ बेडरूम बाथरूम है, ये इस बेडरूम के साथ। तो व्यूअर्स, इसी तरह का एक और घर है, वो भी 7 मरले डबल स्टोरी कॉर्नर घर है। उसकी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल गौरी TV चैनल पे अपलोड की है, कुछ टाइम पहले की है। वो भी अगर आप देखना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल गौरी TV चैनल पे आप वो चेक कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने घरों की वीडियोज़ देखनी है तो उसके लिए मेरे इस चैनल पर भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हैं। और जो मेरा दूसरा चैनल है गौरी TV चैनल के नाम से, उस पर भी काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 10 मरला कनाल, जो भी आपकी रेंज है उस रेंज में आपको ये घर मिल सकते हैं।
तो ये हम अभी ऊपर वाले पोर्शन पे आ चुके हैं जो कि हाफ स्टोरी बना हुआ है। अगर आपने घरों की वीडियोस देखनी है तो YouTube में या तो मेरे आप इस चैनल का नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, मलक असनान ऑफिशियल, और दूसरा गौरी टीवी चैनल। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब बार में अगर मेरा सिर्फ ये जो नंबर वीडियो में चल रहा होता है या जो मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है ये नंबर अगर सर्च बार में आप लिखते हैं यूट्यूब की, तो जैसे ही वो मेरा नंबर लिखेंगे उसको सर्च करेंगे तो ये मेरी सारी वीडियोस भी आ जाएंगी। ये हम अभी ऊपर आ चुके हैं, ये यहाँ पे भी आपको ब्राउन और वाइट कलर की सीलिंग नज़र आ रही होगी। सामने विंडो लगी हुई है एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए, साथ ही डोर है ड्राइंग रूम का ये। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मेरे राइट साइड पे अलमारी बनी हुई और लेफ्ट साइड पे विंडो है, बिल्कुल सामने अटैच बाथ बना हुआ है। ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ है, ये ड्राइंग रूम के साथ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप काफ़ी विंडोज़ लगी हुई हैं एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। यहाँ पे ये टेरेस का डोर है, यहाँ से हम टेरेस पे आ जाते हैं। फ्रंट टेरेस पे ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की सेफ्टी ग्रिल आगे लगी हुई है जिसमें शीशा और कुछ डिज़ाइनिंग इस्तेमाल हुई हुई है। यहाँ पे आप गली का व्यू भी देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी तकरीबन 50 फुट की ये गली है। तो यहाँ पे पानी का बोर मौजूद है, पानी यहाँ पे अवेलेबल है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, गैस यहाँ पर अभी तक नहीं आई इस गली में। तो आइए अब यहाँ से बेडरूम से होते हुए छत पे चलते हैं। बैक साइड पे जो इसकी छत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आनर की डिमांड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 7 मरले पे ये 1.5 स्टोरी घर बना हुआ है, जिना गार्डन में ये वाक़ है। और जो आनर की डिमांड है इस घर की वो 1,40,00,000 है। बाकी नंबर मेरा नीचे चल रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने घर का विज़िट करना है या फिर आनर से डील करनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आनर से आपकी डील भी करवा देंगे और रेट में मज़ीद कुछ कमी भी हो जाएगी। तो व्यूअर्स अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का आमी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।